जिला सोनीपत में वीकेंड लॉकडाउन लागू है, जो बीती रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। उपमंडल खरखोदा में भी प्रशासन के द्वारा वीकेंड लॉकडाउन को पूर्ण रूप से लागू किया और जरूरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रही। खरखोदा मुख्य दिल्ली चौक पर पुराना बाजार खरखोदा में मेन झज्जर रोड, मेन दिल्ली रोड व सोनीपत रोड पर केमिस्ट की दुकान व हॉस्पिटल खुले रहे, बाकी सब संस्थान व दुकानें बंद रही। सेक्टर 15 स्थित मुक्ति धाम का दौरा किया और धाम को स्वैच्छिक संस्था से जुड़े कार्यकर्ता नरेंद्र बुटानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी कोरोना मरीजों के शवों को प्रोटोकॉल के तहत ही दाह संस्कार किया जाता है। मैक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र सेक्टर 14 की मार्केट के पास लगे नाके पर लोगों की भीड़ पर संबंधित ड्यूटी ऑफिसर एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए शक्ति का पालन करें, आने जाने वाले लोगों का रजिस्टर में वाहन समेत इंद्राज करें और आवागमन का कारण भी दर्ज करें। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। जी हां, जिले का प्रथम सरकारी ऑक्सीजन प्लांट हुआ चालू। एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने लोगों के साथ साझा की। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते सभी निजी व सरकारी कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, आईटीआई, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले शिशु गृहों को 31 मई 2021 तक बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। मैक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र का दौरा करते हुए स्वामी विवेकानंद चौक के पास सिक्का कॉलोनी के गोविंद लाल के लड़के राहुल अरोड़ा की गुड़चड़ी पर कोविड-19 के निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं पाई गई तो मौके पर ही बगैर मास्क के लोगों के चलान काटने के निर्देश दिए और दूल्हे को मास्क पहनवाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।